थोड़ा सा डर है कि ये बच्चों का है, कहीं मैं भी ना गिर जाऊँ यहाँ पर। और इस झूले पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे झूल के। तो भाई मैं तो यहाँ बहुत देर तक झूलने वाली हूँ। और मज़ा आता है उसे करने में। तो झूला झूलने में तो हमेशा सबको ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स एंट्री करते हैं हम मंदिर की तरफ, अंदर चलते हैं, आइए। हमारी एंट्री पे ओम शुरू हुई है। हाँ हमारी अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर ओम का उच्चारण होना शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर के। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी घंटी लगी हुई है, और यहाँ पर जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं थोड़ी सी ब्राइटनेस देने के लिए, थोड़ी सी जो चमक होती है वो दे रखी है। और ये सामने जो है वो मंदिर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मैं आपको सामने जो है जो महावीर भगवान है मैं उनको आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सामने है और बहुत ही भव्य तरीके से। ये देखिए यहाँ पर तीन मूर्त दी हुई है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। और यहाँ पर सुबह की जो पूजा है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर ये पंडित जी हैं, ये जो पूजा कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जो भी जैन समाज में होता है वो। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की जो है मूर्तियाँ हैं, और बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही भव्य मूर्तियाँ हैं। छोटी छोटी मूर्तियां हैं और बहुत सारी लगी है। ये देखिए यहाँ पर जो घर चल रहा है, ये देखिए आपको इस कलर के पत्थर से मिला हुआ है। ये इसका चारों तरफ से जो शीशे के ग्लास वाले गेट होते हैं वो बना हुआ है, और चारों तरफ से ताकि इसमें मूर्तियां दिख जाए। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है।
फ्रेंड्स, इन मूर्तियों का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता है, और अभी सुबह सुबह किसी यहाँ पूजा का टाइम हो रहा है तो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती हूँ कि इन मूर्तियों का क्या अर्थ है, लेकिन मैं रुचि से पूछती हूँ क्योंकि वो भी जैन हैं। रुचि, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये मूर्तियाँ किस लिए इतनी ज़्यादा हैं? इसका नाम सहस्त्रकूट सत्यालय है। अच्छा, सहस्त्रकूट मतलब यहाँ पे 1000 मूर्तियाँ हैं। हाँ, इनकी टोटल काउंटिंग 1000 है, जिससे भगवान की चारों दिशाओं में दूर दूर तक जो भी दर्शन करना चाहे उसके दर्शन होने इजी हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी मूर्तियाँ हैं? 1000 से ज़्यादा है। ये 1000 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको पूरा राउंड बताया था, मुझे उसका मीन्स नहीं पता था, इसलिए मैंने रुचि से आपको पूछ लिया है। ये अलग अलग स्टोन से बनी हुई है, हर प्रकार के स्टोन से, और जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं वो जिनका स्टोन या जो पत्थर मूर्तियाँ हैं वो अलग अलग तरीके का है, वो भी मैं आपको दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूर्तियाँ हैं ना, ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, अलग अलग पत्थरों से बनी हुई हैं, और ये टोटल जो है वो 1008 मूर्तियाँ हैं जो यहाँ रखी हुई हैं, और ये देखने में जो नज़ारा है ना वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और 1008 मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई एकदम एक अद्भुत नज़ारा दे रही हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये देखिए, ये आपको भी बिल्कुल भव्य लग रहा होगा क्योंकि, और जो ऊपर है वो देखिए आप, बहुत सारी बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं थोड़ी सी, और ऊपर की तरफ है सबसे टॉप पे, और अभी ये हम टॉप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अभी 13 मंजिल और हैं जिन पर हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी 13 मंजिल और है जहाँ हम जाएंगे, वो मैं आपको सारी मंजिलें दिखाऊंगी एक एक करके, और यहाँ पर लिफ्ट भी है क्योंकि मैं पैदल नहीं जा पाऊँगी, 13 मंजिल ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो जाती है और बहुत टाइम भी लग जाएगा, इसलिए मैं लिफ्ट भी यूज़ करूँगी, और चलते हैं देखते हैं क्या है ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी लिफ्ट खुली नहीं है, ओपन नहीं कर रहा है कोई भी, और कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ये सारे बच्चे हैं हमारे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि लिफ्ट को खुलवा दें, लेकिन यहाँ पर अभी कोई आया नहीं है लिफ्ट को खोलने वाला, क्योंकि अभी यहाँ 7 ही बजे हैं, तो हो सकता है थोड़ा लेट आते हों, और देखते हैं हम कैसे चलते हैं, या तो स्टेयर्स से चलेंगे या फिर लिफ्ट से चलेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये देखिए प्लांट है चांदनी का, बहुत बड़ा प्लांट है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है उसमें, वही मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो देखने में। तो हम कहीं जाएं और प्लांट ना दिखाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यही मैं कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि स्टेयर्स जो है वो अभी खुली नहीं है, लिफ्ट नहीं खुली है, स्टेयर्स तो खुली हुई हैं, लेकिन मैं लिफ्ट में ही जाऊंगी क्योंकि 13 मंजिल कवर करना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये मेरे पीछे देखिए, इतने सारे चांदनी के फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं चांदनी के फूल, ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, तो जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छे से हो रही है, चांदनी का जो मौसम चल रहा है, और बारिश में तो और भी ज़्यादा मौसम आएंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ गुलाब के हैं, सूखे हुए से हैं, लेकिन थोड़े से गुलाब के फूल इधर खिले हुए हैं। इधर मैं आपको गुलाब के थोड़े से फूल दिखाती हूँ, जो कि क्वांटिटी काफ़ी खिली हुई है, देसी गुलाब है सारा, और खुशबू अच्छी आ रही है, ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना आप, बहुत ही सारे लाइन से जो है वो गुलाब खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये गुलाब। और ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये इसके पीछे है जो एलिफेंट मैंने आपको दिखाया था ना, पिंक कलर का एलिफेंट है, और उसके पीछे वाली तरफ ये है, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारा मंदिर का ही आश्रम है, और यहाँ पर जो इनके बहन जी या जो भी मतलब मेरे को नहीं पता है क्या बोलते हैं उनको, बहन जी बोलते हैं, और वो लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग रहते हैं, और मंदिर में ही आश्रम है, इनके चारों तरफ आश्रम बने हुए हैं। तो यहाँ पर घूमना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर घूमना। तो फ्रेंड्स, अभी जो है लिफ्ट खुलने में थोड़ा सा टाइम है, लगभग आधा घंटा या एक घंटा अभी बोला है कि अभी लगेगा, जो लिफ्ट मैन है वो आया नहीं है, जो लिफ्ट चलाते हैं भैया वो वाले भैया आए नहीं है, तो हम पहने आ गए हैं वापस से शूज़, और फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ और क्या है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर और क्या क्या है, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी जगह है, और घूमना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उधर की तरफ आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पर इधर जो है वो झूले लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स आते हैं तो उनके साथ जो बच्चे आते हैं तो यहाँ पर झूले वगैरह का भी इंतज़ाम हो रखा है, तो यहाँ पर झूले भी लगाए हुए हैं, बच्चों की
थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम मैं चलती हूँ उसी की तरफ, झूले आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे तो आए नहीं है, तो मैं आपको झूला वाला जो एरिया है वो दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम पास तो करना ही पड़ेगा जब तक लिफ्ट खुलेगी, तो वो एरिया भी मैं आपको कवर करा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से आप पीछे से देख रहे हैं ना, ये सारे झूले वाला एरिया बच्चों का एरिया है यहाँ पर, कि बच्चे भी अगर यहाँ आएंगे तो बोर नहीं होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा झूले का एरिया है सारा, वहाँ पर आप देखिए ये पीछे जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, और पीछे और भी तरह के झूले हैं तरह तरह के। वो उधर पीछे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेन खड़ी हुई है छोटी सी, जो बच्चों की ट्रेन होती है। और ये देखिए दो छोटे बच्चे जो हैं वो जिम में पहुँच चुके हैं, यहाँ जिम कर रहे हैं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स हैं वो, और यहाँ पर जिम में आ गई हैं वो। और वो मेरे को बोल कर आए थे कि कहीं कुछ खाने के लिए या चाय मिलेगी, तो हम लोग चाय का इंतज़ाम करते हैं, और ये लोग देखिए यहाँ पर जिम करना शुरू कर दिया इन्होंने, जिम कर रहे हैं यहाँ पर। ये गलत बात है एकदम भाई, गलत बात है। तुम लोग चाय के लिए बोल रहे थे कि हम चाय देखते हैं यहाँ पर, लेकिन तुमने जिमिंग शुरू कर दी है। ये तो अभी हमारे डे स्टार्ट हुआ है, हम लोग जिम करेंगे। नहीं यार, चाय पिला दो ना कहीं से। ये देखिए दोनों की दोनों लगी पड़ी हैं, ये देखो। यहाँ जिम स्टार्ट हो गया इनका, और ये देखिए ये यहाँ पर एक और क्या है, ये झूला ही है, ये ट्विस्टर है। ये देखिए यहाँ से नीचे जो ट्विस्ट करते हैं वो है, ये ट्विस्टर है, यहाँ पर ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो इंतज़ाम तो सारे किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर झूला भी झूल सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लांट्स में घूम सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और झूले भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये बच्चों का जो एक क्या होता है, ये झूले का नाम नहीं पता मुझे, यहाँ पर ये है, और पीछे एक चेन वाला झूला है। बच्चे ऊपर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये मैं बैठ गई हूँ झूले पर, और मुझे थोड़ा सा डर है कि ये बच्चों का है, कहीं मैं भी ना गिर जाऊँ यहाँ पर। और इस झूले पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे झूल के। तो भाई मैं तो यहाँ बहुत देर तक झूलने वाली हूँ, और वो वहाँ पर जिम कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जिम करो और मैं यहाँ झूला झूलती हूँ। सोनल यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, रुचि झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। वाह, जब हम कोई भी बच्चों वाली चीज़ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसे करने में। तो झूला झूलने में तो हमेशा सबको ही मज़ा आता है, तो कितना आराम मिल रहा है। अब सावन भी आने वाला है, तो देखिए नेक तो पूरा हो चुका है, हम झूला झूल रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मैं यहाँ से अभी नहीं जाने वाली हूँ आधा घंटे तक, और मैं यहाँ झूला झूल रही हूँ। चलो, तो देखिए ये दोनों भी यहाँ पर झूला झूलने आ गए हैं। ये देखिए डिवाइन ना, मैं भी यही बोल रही थी कि आधा घंटे तक मैं नहीं निकलने वाली हूँ यहाँ से, बहुत मज़ा आ रहा था झूला झूलने में। हम लोग यहाँ झूले पे बैठ के ऐसा लग रहा है हम बच्चे बन गए और बच्चों की तरह मस्ती करना शुरू कर दें, और भूखे पेट है, कोई हमें यहाँ चाय का इंतज़ाम करा दे तो हम मस्ती भी कर लेंगे और चाय भी पी लेंगे। तो मैं फिर से पहुंच रही हूँ इस झूले पे, और हम अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ ऊपर गए हैं, और ऊपर से ही मैं आपको, ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको झूले पे बैठी बैठी ना मंदिर दिखाती हूँ। हाँ देखिए, मेरी फ्रेंड बोल रही है कि ये तीनों लोग हमारे यहीं पे, ये झूला झूल कर जो हमें तीनों लोग मिल रहे हैं ना, वो यहीं मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितने मज़े ले रहे हैं ये लोग, देखिए कितना मज़ा ले रहा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं से ये देखिए ये मंदिर दिख रहा है, और यहाँ पर सूरज निकल चुका है हमारे ऊपर, सूरज की जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा आई हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए ये मंदिर है, ये बहुत ऊंचा मंदिर है। हे भगवान, पता नहीं, हाँ स्टार्ट है। विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ भरोसा नहीं है, बाद में पता चलेगा, रिकॉर्ड हुआ तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चेक कर लिया हमने कि
tiempo me dejaste. Fue un momento difícil. Vuelvo y apárate. Y no me dejes ir. Pura lutfa hum log utha rahe hain. Uthaiye, uthaiye. तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ वहाँ पर, और वहाँ से आज हम जो है क्या करेंगे वो स्लाइड करेंगे यहाँ से, और कोशिश करती हूँ मैं स्लाइड करने की, लेकिन प्लीज़ आप फंसिएगा मत. Los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar a contigo. आपको दिखाती हूँ जिसकी मधु मालती है, और जो इसका गेट बना हुआ है पूरा, ये देखिए पूरा ऊपर से राउंड दे के बना हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बंचेज में फूल आते हैं मधु मालती में. ये देखिए ये मधु मालती है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जो है फूल खिले हुए हैं, और ये जो एक गेट बनाया हुआ है ऐसे राउंड दे के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. मधु मालती होता है जो बंचेज में फ्लावर्स आते हैं. ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ. यहाँ पर ये देखिए ये जो फूल आ रहे हैं ये बहुत ही प्यारे फूल लग रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फूलों को देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है. ये देखिए बहुत खूबसूरत फूल है. तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चाय पीने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ चाय मिल जाए तो हम चाय पियेंगे, और कुछ नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम हो जाए तो हम वो भी यहाँ करेंगे बैठ के. और बच्चे ये देखिए चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हैं तो वेट कर रहे हैं हम चाय का, क्योंकि चाय का बहुत ज़ोर से मन. चाय और पकौड़े का हम पी रहे हैं चाय, और पकौड़े खा रहे हैं, भूख लगी थी बहुत, तो उसके बाद मिलते हैं. तो पकौड़े हैं तैयार, और हमारी चाय के साथ गर्मा गर्म चाय है, बहुत टेस्टी चाय लग रही है, और पकौड़े भी बहुत टेस्टी हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी. तो ये पकौड़े और चाय हमें दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, पता नहीं है ज़्यादा टेस्ट है या नहीं, हमें ही लग रहा है बट टेस्टी है. और ये डाइट पकौड़ा है. हाँ फ्रेंड्स हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, और हम डाइट पकौड़ा खा रहे हैं, और ये हमने तेल में बॉयल करा दिए हैं, फ्राई नहीं किए हैं. फ्राइड नहीं है ये, ऑयल में बॉयल किए गए पकौड़े हैं, और ये डाइट पकौड़े आप भी खा सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा. फ्रेंड्स आज हम चलाने जा रहे हैं ई रिक्शा, और ई रिक्शा चलाने में जो मज़ा आएगा ना वो तो शायद हेलीकॉप्टर चलाने में भी नहीं आएगा. रिक्शा वाली जो बहन है ना, हर भैया ही रिक्शा नहीं चलाता है, हर बहन भी चला. ये जो रिक्शा वाली बहन है ये मुझे सिखा रही है कि आज रिक्शा कैसे चलाया है, तो मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे चलाती हूँ मैं भी. सो अभी ड्राइविंग सीट पे है ई रिक्शा में बबीता, और आ जाओ बस मुझे टक्कर नहीं मारना प्लीज. हट गई, आ जा. आज मेरी गाड़ी में बैठ जा. आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ. फ्रेंड्स जो है ई रिक्शा चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और लव इट. हेलीकॉप्टर चलाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ई रिक्शा चलाने में मज़ा आ रहा है. ये वी ड्राइविंग ई रिक्शा, सुपर इजी, सुपर इजी. Aparats mi baby, te extraño macho baby, no me dejes solo baby.